हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल सिविल। तो चलिए, हमने अब तक इस वीडियो सीरीज़ में देखा कि आरसीसी बीम की क्वांटिटीज़ को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और उसका बार बेंडिंग स्केड्यूल किस तरह से बनाया जाता है। और भी कई सारे टॉपिक्स हमने इस वीडियो सीरीज़ में अब तक डिस्कस किए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखें, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है या फिर ऊपर आई बटन है, आप वहाँ से भी जाके उन वीडियोज़ को या फिर इस वीडियो सीरीज़ को पहले से देख सकते हो और समझ सकते हो। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में, जिसमें हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि एक आरसीसी स्लैब की क्वांटिटीज़ को किस तरह से और किस बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है और उसके बार बेंडिंग स्केड्यूल को या फिर एब्स्ट्रैक्ट शीट को किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो आप भी इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बाजू में एक बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नई नई टेक्निकल अपडेट्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। चलिए, तो आप देखते हैं एग्जाम्पल के अंदर। एग्जाम्पल हमने लिया है, अ रूम हैज़ अ क्लियर डायमेंशन ऑफ 3 मीटर बाय 7 मीटर। क्लियर डायमेंशन मतलब इसके इनटू इन डायमेंशन, जो कि आपको 3 मीटर बाय 7 मीटर का दे रखा है। ओके, आपको आगे कहा गया है, इट हैज एन आरसीसी स्लैब एज शोन इन फिगर। इसका जो आरसीसी स्लैब है वो आपको फिगर में यहाँ पे बताया गया है। ओके, और आपको आगे पूछा गया है, कैलकुलेट सीमेंट कॉन्क्रीट। यहाँ पर आपको क्वांटिटी निकालनी होगी कि सीमेंट कॉन्क्रीट की क्वांटिटी कितनी होगी। इसका आपको मिक्स प्रोपोर्शन दे रखा है, 1, 1.5 और 3। ठीक है, ये इसका मिक्स प्रोपोर्शन आपको दिया है, इसकी आपको क्वांटिटी निकालनी है। दूसरा आपको पूछा गया है, सेंटरिंग एंड शटरिंग, इसकी भी आपको क्वांटिटी निकालनी होगी। अब सेंटरिंग एंड शटरिंग क्या होता है, ये हमने इस वीडियो सीरीज में पहले ही डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बाद आपको आगे कहा गया है, पूछा गया है, वेट ऑफ 12 mm डायाबार। 12 mm डायाबार जो आपको स्लैब के अंदर बताए गए हैं, जो दिए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेट करने की कितने इसका क्वांटिटी लगेगी 12 mm डायाबार। ठीक है, आपको आगे पूछा गया है, वेट ऑफ 6 mm डायाबार। 6 mm डायाबार मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको दे रखे है, इसका वेट कितना होगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको जो भी यहाँ पे फिगर दे रखा होगा, उस फिगर को आपको पहले प्रॉपरली स्टडी कर लेना है, उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व कर लेना है कि कौन सी चीज़ किस तरह से कहाँ और क्यों दे रखी है। ठीक है, क्या उसके डायमेंशन है, ये सारी चीज़ें आपको पहले फिगर के अंदर नोट आउट कर लेना है। उसके बाद आगे आपको पूछा गया है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन। आपको अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन के लिए एब्स्ट्रैक्ट शीट इसकी बनानी है। ठीक है, उसके अंदर आपको उसका अमाउंट जो होगा एस्टिमेट वो आपको बताना होगा। उसके बाद सिक्स्थ आपको पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट। मीन्स ये तीनों मटेरियल की आपको अलग अलग वॉल्यूम्स निकालने बताने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा गया है, परसेंटेज ऑफ स्टील। इस स्लैब के अंदर कितने परसेंटेज ऑफ स्टील यूज होगा ये भी आपको बताना है। आपको आगे पूछा गया है, कॉस्ट ऑफ स्लैब पर मीटर स्क्वायर, एक मीटर स्क्वायर के लिए कितना कॉस्ट होगा इस स्लैब का, ये भी आपको बताना है। और लास्ट आपको पूछा गया है, बार बेंडिंग स्केड्यूल इसका प्रिपेयर कीजिए। तो कुल मिला के आपको ये सवाल पूछा गया है। अब इस सवाल को किस तरह से आपको आगे कैरी करना है, किस तरह से सॉल्व करना है, ये हम इसके सॉल्यूशन के अंदर देखते हैं। चलिए, तो अब यहां पर आपको पहले करना क्या होगा, एक मेजरमेंट शीट लेनी होगी। मेजरमेंट शीट अगर आपके पास नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस सही से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, अब मेजरमेंट शीट आपको लेनी है। यहाँ पर मेजरमेंट शीट के अंदर आपको यहाँ पर सारी चीज़ें लिस्ट आउट करनी है कि भाई पहली जो क्वांटिटी आपको निकालनी थी वो थी सीमेंट कॉन्क्रीट फॉर स्लैब, जिसका आपको ये मिक्स प्रोपोर्शन दे रखा था। ओके, आपको यहाँ पर क्वांटिटी इसकी 1 देनी होगी, क्योंकि कॉन्क्रीट यहाँ पर स्लैब जो है वो एक ही स्लैब के लिए होगा। ठीक है, कॉन्क्रीट का जो होगा वो एक ही स्लैब के लिए होगा, इसलिए यहाँ पर 1 ले रहा है। अब इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट कितनी लेनी है, तो लेंथ आपको इसकी कैलकुलेट करनी होगी। इस सेक्शन को आपको देखना होगा इसके लिए। ठीक है, इसकी लेंथ कौन सी होगी, विड्थ कौन सी होगी, ये आपको पहले समझना बहुत जरूरी है। अगर हम लेंथ की बात करें तो कई सारे लोग इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, लेंथ मतलब क्या है कि अगर आप इस स्लैब को थर्ड डायमेंशन में इमेजिन करें, ठीक है, अगर आप इसको अंदर की तरफ थर्ड डायमेंशन में इसे इमेजिन करें तो इसकी लेंथ अंदर की तरफ जाएगी, जो कि आपको इस सवाल के अकॉर्डिंगली 7 मीटर की दे रखी है। ठीक है, ये जो उसके अंदर की लेंथ है पूरी, वो 7 मीटर की दे रखी है, और इसकी विड्थ आपको 3 मीटर की दे, कितनी दे रखी है, 3 मीटर की विड्थ आपको दे रखी है। अब स्लैब जो होता है उसकी चारों ओर वॉल्स होती है, ये आपको इसका लॉजिक या फिर कॉमन सेंस इतना रहना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, आपको इन टू इन डायमेंशन दे रखा है, लेकिन आपको पूरे स्लैब का जो सीमेंट कॉन्क्रीट की क्वांटिटी है वो निकालनी है, जिसके अंदर
इंक्लूड आपको वॉल की जो थिकनेस होगी वो भी इंक्लूड करनी होगी, क्योंकि उतने एरिया में भी आपका स्लैब ऊपर आएगा, ठीक है। चलिए तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पर पहले तो इन टू इन जो दे रखा है वो 7 मीटर, उसके बाद दोनों तरफ से आपको जो वॉल दे रखी है उसकी थिकनेस ऐड करनी होगी। ओके, तो ये 230 mm की वॉल आपको दे रखी, इसके मतलब इसके चारों तरफ 230 mm की वॉल लगी होगी, ठीक है। तो अब अगर आप इस लेंथ की बात करें तो यहाँ पर भी आपकी जो है वो 230 mm की वॉल इस तरह से लगी होगी। तो हमने यहाँ पर 0.23 इधर से ऐड किया, मतलब एक तरफ से 0.23 और दूसरी तरफ से 0.23। ओके, तो आपने ये दोनों तरफ से 0.23 ऐड करके इसकी जो एक्चुअल लेंथ थी आउट टू आउट मतलब वो निकाल ली हमने 7.46 मीटर। सिमिलरली आपको उसकी विड्थ जो है, उसकी चौड़ाई जो है, उसके अंदर भी यही चीज़ करनी होगी। 3 मीटर आपको इन टू इन दे रखी थी, बाद में दोनों तरफ से आपको वॉल ऐड कर लेनी है, तो आपने ये उसकी पूरी आउट टू आउट लेंथ को या सॉरी विड्थ को कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो इस तरह से आपने उसकी जो आउट टू आउट लेंथ को और विड्थ को कैलकुलेट करने के बाद उसकी हाइट कितनी होगी, तो हाइट यहाँ पर देखिए इसी फिगर के अंदर आपको बताया गया है 120 mm की, मतलब 0.12 आपको रखनी, और इसका आपको फाइनली क्वांटिटी मिलेगी, इसका वॉल्यूम मिलेगा कि भाई सीमेंट कंक्रीट स्लैब के लिए कितना लगेगा, वो है 3.09 मीटर क्यूब। ओके, इस मिक्स प्रोपोर्शन के लिए इतना आपको क्वांटिटी लगेगी इसकी, ये बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब दूसरी क्वांटिटी की तरफ जाते हैं, वो है सेंटरिंग एंड शटरिंग। अब देखिए पहले समझना आपको ये जरूरी है कि सेंटरिंग क्या होता है और शटरिंग क्या होता है। इसके लिए हमने हमारी इस वीडियो सीरीज के अंदर शुरुआत में ही सारी चीजें आपको पहले ही क्लियर करवा दी थी कि ये सारी बेसिक टर्म्स होती है, इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, इसका मतलब क्या होता है। तो मैं आपसे एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें, ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो चलिए हम देखते हैं पहले यहाँ पर सेंटरिंग और शटरिंग कहाँ कहाँ लगाई जाती है। तो सेंटरिंग और स्लैब के अकॉर्डिंगली सेंटरिंग बॉटम में लगेगी और साइड में लगेगी, ठीक है। आपको अगर स्लैब कास्ट करना हो तो आपको सपोर्ट एज अ सपोर्ट आपका कंक्रीट उसी डायमेंशन के अंदर फिट हो और प्रॉपरली फिट हो, उसके लिए आपको बॉटम में शटरिंग लगानी होगी और साइड में उसकी शटरिंग लगानी होगी। अब इसकी साइड देखिए कितनी होगी, तो ये जो साइड होगी, ठीक है, ये मतलब इस तरफ से, एक मिनट को मैं थोड़ा क्लियर कर दूं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे इसके अंदर। ओके, चलिए तो अब इसकी साइड की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए साइड इसकी कितनी होगी, साइड इसकी दो अलग अलग साइड होगी, एक तो ये जो पोर्शन होगा, ठीक है, ये जो वॉल होगी, तो इधर से एक साइड, ठीक है, इधर से सिमिलर और उसी के सिमिलर ये साइड हो जाएगी। और अगर हम इस विड्थ की बात करें तो यहाँ पर ये साइड और इसके अपोजिट वाली मतलब दूसरी एंड वाली जो साइड होगी इस तरह से, वो एक साइड होगी, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या होगा कि साइड वन यहाँ पर दो होगी, मतलब ये, और साइड टू यहाँ पर दो होगी, इसका आपको बेसिक आइडिया आ गया होगा। चलिए अब बॉटम की बात करें तो बॉटम आपके पास एक ही होगा, और बॉटम के डायमेंशन क्या होंगे, तो देखिए बॉटम के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बॉटम के अंदर आपको दीवार को एक्सक्लूड ही रखना है, क्योंकि जब आप बॉटम के अंदर इसकी फॉर्मवर्क करोगे या फिर उसकी जो शटरिंग करोगे तो बॉटम के अंदर दीवार वहाँ पर आ जाती है, आपको इन टू इन डायमेंशन मतलब अंदर इन टू इन ही उसको शटरिंग या सेंटरिंग करनी होगी। ओके, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा, इसके अंदर कन्फ्यूजन वाली ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा अपना इमेजिन करना होगा, लॉजिक दौड़ाना होगा, ठीक है। तो बॉटम के अंदर एक आपके पास बॉटम है और इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 3 मीटर की, इसकी जो विड्थ हो जाएगी वो सॉरी इसकी लेंथ 7 मीटर की होगी और इसकी विड्थ जो हो जाएगी वो 3 मीटर की होगी, ठीक है। ये आपके बॉटम के ऊपर जो शटरिंग करोगे उसका यही डायमेंशन होगा, तो 7 × 3 × 1 करोगे तो आपको ये 21 मीटर स्क्वायर मिलेगा। ओके, 21 मीटर स्क्वायर के लिए जो आपको सेंटरिंग एंड शटरिंग बॉटम में करनी होगी। अब बात करते हैं साइड्स के बारे में, तो साइड वन मतलब ये लॉन्गर साइड हम मान लेते हैं, तो साइड वन के लिए आपको क्या करना होगा, सिमिलर कौन से साइड है, दो साइड है, साइड वन जो आपकी है वो दो है, ठीक है। अब साइड वन के लिए इसकी लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ का आपको क्या करना होगा, हम साइड पर लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, जो फॉर्मवर्क आप करते हो तो वो आपको एंड पर करना होगा, इस दीवार के एंड पर करना होगा, ठीक है। तो क्या करना होगा आपको, इसके अंदर आपको इस दीवार की थिकनेस को भी इंक्लूड करना होगा। अगर हम दीवार की थिकनेस को इंक्लूड करें तो ये जो टोटल वॉल्यूम होगी लॉन्गर साइड की वो 7.46 होगी, जो हमने यहां पर कैलकुलेट कर रखी है। ओके, और सिमिलरली साइड टू के लिए देखें तो इसकी जो विड्थ होगी इसके अंदर आपको यहां पर भी आउट टू आउट डायमेंशन ही मेजर करने होंगे, तो इसकी जो आउट टू आउट मेजरमेंट होगी वो 3.46 मीटर की होगी, हमने ऑलरेडी आगे डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से अपना लॉजिक और इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके दोनों तरफ से जो लेंथ हो रही थी वो निकाल लेनी है। अब इसकी विड्थ तो कुछ नहीं होगी, इसकी विड्थ बिल्कुल नहीं होगी, इसके अंदर हाइट होगी। हाइट क्यों होगी, क्योंकि साइड के अंदर आपको इसकी लेंथ और इसकी हाइट का मतलब होता है, ठीक है, ये हाइट। अब ये हाइट कितनी है, तो यहाँ पर आपको 120 mm की दे रखी है, तो यहाँ पर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करके 0.12 रख देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको इसकी हाइट ले लेनी है। ओके, तो अब यहाँ पर बड़ी आसानी से आप इसकी क्वांटिटीज़ को निकाल सकते हो, और टोटल क्वांटिटी अगर देखें तो ये 23.62 मीटर स्क्वायर इसकी आ रही है, मतलब सेंटरिंग एंड शटरिंग के लिए इस पर्टिकुलर स्लैब के लिए 7x3
गाड़ी का जो रूम था उसके स्लैब के लिए यहाँ पर 23.62 मीटर स्क्वायर का आपको सेंटरिंग एंड शटरिंग लगेगी। ओके, ये हमने दो क्वांटिटीज बड़ी आसानी से यहाँ पर निकाल। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी क्वांटिटी की ओर। तीसरी क्वांटिटी है आपकी जो 12 mm के डाया बार है। ओके, जो 12 mm के ऑल्टरनेट बेंटअप बार से या डाया बार से उसकी क्वांटिटीज़ को आपको निकालना है, उसका वेट आपको इन शॉर्ट निकालना है। अब वो किस तरह से निकाला जाता है, तो उसके अंदर आपको उसका लेंथ पहले पता करना पड़ेगा कि ये स्ट्रेट बार जो है उसकी लेंथ टोटल कितनी है। अब ये लेंथ किस तरह से पता लगाई जाती है, तो देखिए इसकी लेंथ के लिए आपको क्या करना होगा। और एक ख़ास बात फिर से इस थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। चलिए तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसकी जो ये जो 12 mm के बार्स है वो सिर्फ ये जो साइड है आपकी 3 मीटर वाली साइड है ना, जो विड्थ है मतलब स्लैब की, उसी के अंदर प्रोवाइड कर रखे हैं। मतलब ये ऐसे लॉन्जिट्यूडनली प्रोवाइड नहीं किए गए, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा ताकि इसके डायमेंशन के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखिए इसके जो स्ट्रेट बार का जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार कितनी होगी यहाँ पर, तो ये इनटू इन आपको 3 मीटर की दे रखी है, तो 3 मीटर प्लस आपको दोनों तरफ से, क्योंकि ये बार जो है यहाँ तक ये भी इंक्लूड होना करना होगा आपको, तो यहाँ पर ये 230 mm एक तरफ से और दूसरी तरफ से भी 230 mm तक अंदर जाएगी। तो ये 230 mm मतलब 0.23 दोनों ऐड कर लिए हमने। उसके बाद इसकी जो हुक लेंथ होती है उसे भी हमें इसके अंदर ऐड करना होता है, क्योंकि हम आफ्टरऑल इसकी टोटल लेंथ को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसकी हुक लेंथ कैलकुलेट करनी होती है। इसकी हुक लेंथ कितनी होती है, तो इसकी 9 into डायामीटर इसका इसकी हुक लेंथ होती है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था इस वीडियो सीरीज के अंदर, ठीक है। तो अब ये दोनों तरफ से हुक है, यहाँ से भी देखिए, यहाँ से भी हुक है और यहाँ से भी हुक है, तो इसका मतलब 2 into 90 करना होगा, इसलिए हमने यहाँ पर ये 2 into 90 कर रखा है। ओके, दोनों तरफ से हुक हमने ले रखे। अब आपने क्या करना है, हम यहाँ पर आउट टू आउट थे, हम कहाँ थे, यहाँ तक थे, लेकिन यहाँ पर देखिए ये 50 mm का कवर है, जो कि आपको सवाल में पहले ही दिया गया है, बताया गया। अगर आप उस फिगर को प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ पर आपको 50 mm का कवर भी बताया गया है, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ बॉटम में, ठीक है। उसके तो 50 mm का साइड में कवर है और ऊपर का 20 mm का कवर आपको वहाँ पर दिया गया है, तो 50 mm का कवर आपको यहाँ से माइनस करना होगा। और ये जो कवर है ये दोनों तरफ से होगा, ये जो कवर है ये दोनों तरफ से होगा, ठीक है। तो आपको दोनों तरफ से कवर माइनस करना होगा, मतलब 2 into कवर, ठीक है। दोनों तरफ से कवर हमने माइनस कर दिया, इसका मतलब हम बिल्कुल अब यहाँ पर नेट जो इसका जो लेंथ था वो हमने ले लिया इंक्लूडिंग हुक, तो ये कितना आ रहा है 3.58 मीटर का, ये इसका पूरा स्ट्रेट बार आ रहा है। ओके, समझ में आ रहा है आपको मेरी बात, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब बेंटअप बार की अगर बात करें तो बेंटअप बार के अंदर ये जो बेंटअप लेंथ होती है ये अब क्या है और किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो जब हमने इस वीडियो सीरीज़ के लास्ट वीडियो के अंदर एक बेंटअप बार के बारे में या फिर हमने एक बार बेंडिंग स्केड्यूल के बारे में डिस्कस किया, तो उसके अंदर मैंने बेंटअप बार को बिल्कुल अच्छी तरह से और आसान भाषा में समझाया था आपको कि बेंटअप बार क्या होता है, क्यों उसका इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से उसकी जो बेंटअप की लेंथ होती है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपने अब तक उस वीडियो को देख लिया होगा और उसे देखने के बाद ही आप यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे होंगे। ओके, चलिए तो बेंटअप बार की जो लेंथ वो किस तरह से निकाली जाती है, तो बेंटअप ये बेंटअप की लेंथ किस तरह कितनी होती है, ये होती है 0.45 into x। ओके, ये कितनी होती है 0.45 into x। इसको अगर हम जूम करें यहां से तो देखिए ये इसका जूम पोर्शन है, यहां पर ये जो लेंथ होती है ये जो लेंथ होती है ये होती है 0.45 into x। इसके अंदर x क्या होता है, तो ये जो टॉप बार है इसका सेंटर और ये जो बॉटम बार है इसका सेंटर, इन दोनों के बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है वो होता है x, ठीक है। वो क्या होता है, x होता है। तो अब यहाँ पे 0.45 into x, 0.45 कहाँ से आया वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें हमने पहले ही हमें डिस्कस कर रखी है, ठीक है। तो इसकी 0.45 into x आपको लेना है, x की वैल्यू निकालनी है तो किस तरह से निकालेंगे हम, x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो देखिए x मैंने आपको बताया कि ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, तो ये अब पूरा जो इसका हाइट है वो कितनी है, यहाँ पर आपको दिया है देखिए 120 mm, ठीक है। आपको पूरी हाइट इसकी 120 mm की दे रखी है, तो हमने यहाँ पर 0.12 ले रखा है। माइनस दोनों तरफ से आपको ऊपर से और नीचे से कवर माइनस करना होगा, मैंने आपको अभी बताया कि 20 mm का ऊपर से और 20 mm का नीचे से आपको कवर दे रखा है, तो अपने कवर माइनस कर दिया दोनों तरफ से, और माइनस आपको इस डाया का हाफ माइनस करना होगा और इस बार का हाफ डाया आपको माइनस करना होगा। मतलब आप या तो 6-6 डाया ऊपर नीचे से माइनस करो या फिर एक पूरा डाया मतलब पूरा बार जो है वो 12 mm का होगा वो पूरा माइनस कर दीजिए। तो हमने क्या किया यहाँ पर कि एक पूरा बार ही माइनस कर दिया, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो x की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो है 0.068 मीटर की। अब हम क्या करेंगे, इसे इसकी टोटल लेंथ में रखेंगे, तो ये 3.58 प्लस
इसकी बेंटअप लेंथ कितनी होगी 0.45 इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू 3.61 मीटर। इसका मतलब क्या है कि जो बेंटअप बार है इसकी टोटल लेंथ हो गई 3.61 मीटर। समझ में आ रही है मेरे बात आपको, ठीक है ना? ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब हमें क्या करना है, इसके नंबर्स ऑफ बार कि भाई कितने बार्स इस स्पान के अंदर लगेंगे। अब इस स्पान के अंदर लगेगा मतलब इसका स्पान आपको पहले निकालना होगा कि कितना स्पान है। इसके लिए हम पहले एक बार फिर से इस फिगर को रफ कर देते ताकि आपको फिर से कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, जितना क्लियर होगा उतना आपको क्लियर होगा। चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए स्पान आपका कितना होगा, जितने स्पान में ये बेंटअप बार आपके प्रोवाइड करने हैं वो स्पान कितना है। हम स्पान क्यों निकालते हैं यहाँ पर, तो जब भी हम नंबर्स ऑफ बार कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है स्पान मतलब जितने स्पान में वो उसमें हम प्रोवाइड करने वाले हैं डिवाइड बाय उन बार्स के बीच की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। ओके, और प्लस वन आपको करना होता है। ये प्लस वन का फंडा भी मैंने आपको बताया था इस वीडियो सीरीज के दरमियान कि प्लस वन हम क्यों ऐड करते हैं और कब ऐड करते हैं, ठीक है? फिर भी आपको मैं छोटा सा एक हिंट दे देता हूं कि अगर हम यहां पर एंड पर अगर हम किसी एंड तक कोई बार को या फिर नंबर्स ऑफ बार को कैलकुलेट करें निकाल रहे हैं तो हमें प्लस वन करना होता है, लेकिन अगर हम अंदर बीच में कहीं निकाल रहे हैं नंबर ऑफ बार तो हमें प्लस वन करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा क्यों है ये हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, तो एक ही चीज़ को बार बार हर एक वीडियो में रिपीट करना मैं मुनासिब नहीं समझता। चलिए, तो अब क्या करना है आपको यहाँ पर कि भाई इसका पहले स्पान निकालना होगा कि ये जो बेंटअप बार्स है ये पूरे कितने स्पान में आपके प्रोवाइड करने होंगे। ओके, तो अब इसके स्पान किस तरह से निकला जाता है, तो देखिए यहाँ पर टोटल जो आपको इन टू इन डायमेंशन था वो 7 मीटर का दे रखा था, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये जो है आपका थ्रू आउट होगा और ये दीवार की थिकनेस को इंक्लूड करते हुए जाएगा, ठीक है? इसका मतलब दोनों तरफ से आपको दीवार की थिकनेस ऐड करनी होगी। और एक खास बात मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर थोड़ा आपको इमेजिनेशन पावर अपना स्ट्रांग रखना होगा, ठीक है? वैसे इंजीनियर्स का इमेजिनेशन पावर ऑलरेडी स्ट्रांग होता है, उसके भी कुछ रीज़न होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छी तरह से इसे समझना होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अंदर आपको थोड़ा इमेजिनेशन होगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ओके, चलिए, तो ये 7 प्लस 0.23 दोनों तरफ से हमने वॉल की थिकनेस को इंक्लूड कर लिया। अब माइनस करना होगा आपको दोनों तरफ से 50 mm का कवर। क्यों? क्योंकि ये जो बार्स हम प्रोवाइड करते हैं ये कवर को छोड़ के प्रोवाइड करते हैं, तो हमने 50 mm का कवर दोनों तरफ से माइनस कर लेना है। इसका मतलब 2 इंटू दोनों तरफ से कवर। समझ में आई मेरी बात आपको? तो इसका जो टोटल स्पान हो जाएगा वो 7.36 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि भाई 7.36 मीटर के स्पान के अंदर आपके बेंटअप बार प्रोवाइड होने जा रहे हैं और उसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होना है वो है 150 mm का। ओके, इस चीज़ को आपको क्लियर कर लेना होगा। इसके अंदर कोई डाउट हो, कोई शिकायत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए, अब नंबर्स ऑफ बार किस तरह से निकाले जाते हैं, तो देखिए इसका स्पान जो था वो 7.36 था, तो हमने 7.36 लिया डिवाइड बाय इसकी जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होगी दो बार के बीच की वो 0.15 होगी मीटर के अंदर, ठीक है? प्लस वन करना होगा क्योंकि हम एंड टू एंड कर रहे हैं, ठीक है? तो कुल मिला के आपके जो टोटल नंबर ऑफ बार मिलेगी यहाँ पर वो 50 मिलेगी, ठीक है? अगर नंबर ऑफ बार के अंदर आपकी वैल्यू कोई ऐसी हो कि भाई 49 point something आ रही है तो आपको उसके अंदर 50 ही इंक्लूड मतलब 50 ही कंसिडर करना होगा, ठीक है? चलिए, तो हमने यहाँ पर 50 नंबर ऑफ बार कंसिडर कर लिए। इसकी जो बार की लेंथ होगी वो 3.61 होगी, ये हमने यहाँ पर निकाला था। कहाँ निकाला था? ठीक है, ये 3.61 हमने निकाला था, ठीक है? और इसका जो हाइट हो जाएगा, या हम सॉरी हाइट की बात नहीं करते यहाँ पर, हाइट की जगह हम क्या करेंगे इसका पर मीटर का जो वेट होगा वो निकालना होगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि भाई इस बार का टोटल वेट कितना होगा, क्वांटिटी कितनी होगी वो निकालना है। वो बार की क्वांटिटी केजी में या वेट में निकलेगी, ठीक है? तो इसके अंदर हमें हाइट से कुछ लेना देना नहीं क्योंकि हाइट बार की होती नहीं। ओके, इसकी हाइट होती ना वेट, तो इसका डायमीटर या फिर लेंथ होती है। तो हमने यहाँ पर इसकी लेंथ निकाली, भाई 3.61 मीटर आ रहा है, इतनी लेंथ के लिए कितना इसका वेट हो जाएगा वो हमें निकालना होगा। तो एक जो 12 mm का डाया का बार होगा, 12 mm डाया का बार होगा, उसका 1 मीटर का अगर आपको वेट निकालना है तो वो किस तरह से निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला होता है d² / 164। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि 1 मीटर का बार है अगर उसके आपको वेट निकालना है तो किस तरह से निकाला जाएगा, d² / 162 का इस्तेमाल करके, ठीक है? वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है और इसकी 0.9 केजी पर मीटर इसका वेट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 मीटर के लिए 0.9 है तो फिर 3.61 मतलब 3.61 मीटर के लिए कितना होगा, और 3.61 मीटर जैसे 50 आपके पास बार है तो टोटल वेट कितना होगा। तो ये इसकी क्वांटिटी देखिए यहाँ पर 162.45 केजी निकल के आ रही है, ठीक है? यहाँ तक बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था। जो चौथी क्वांटिटी है वो है हमारे पास
6 mm डाया डिस्ट्रीब्यूशन बार, ओके 6 mm की जो डाया डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो आपको निकालनी है। यहाँ पर देखिए ये गलती से मिस्टेक हो गई, 6 mm लिखना चाहिए था, ठीक है ना। चलिए तो आपको क्या करना होगा, आप इस 6 mm डाया बार जो है, मतलब ये बेंट आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है ये आपको निकालने हैं, ठीक है। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन बार की क्वांटिटीज को किस तरह से निकाला जाएगा, उसे आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ को नोटिस कर लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन बार यहाँ पर आपको दो तरीके से प्रोवाइड कर रखे है, एक तो बॉटम में भी है और एक तो टॉप में भी है, ठीक है। बॉटम में जो प्रोवाइड कर रखी है वो थ्रू आउट प्रोवाइड कर रखी है, लेकिन जो टॉप में प्रोवाइड किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो बेंट अप हुआ है वहीं पर उसी एरिया में प्रोवाइड कर रखे हैं। तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना होगा और दोनों के लिए आपको अलग अलग चीजें कैलकुलेट करनी होगी। देखिए किस तरह से हम पहले बात करते हैं बार्स एट बॉटम, ठीक है। बॉटम के अंदर जो बार है उनकी वैल्यू, उनकी क्वांटिटी किस तरह से निकाली जाती है, तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है, पहले सबसे पहले उसकी टोटल लेंथ निकाल लेनी है, उसके बाद स्पान डिवाइड बाय उसका आपको स्पेसिंग कर लेनी है, तो वो आपको टोटल नंबर ऑफ बार मिल जाएगा, इतना ही करना है। लेकिन इसके अंदर आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर नहीं बल्कि हर एक बार के अंदर आपको ये चीज चेक कर लेनी चाहिए शायद कि उसकी हुक लेंथ कितनी हो रही है, क्योंकि हुक लेंथ का एक रूल होता है सिंपल सा कि अगर हुक लेंथ मतलब 9 × D जो है अगर वो 0.075 से ज्यादा आ रही है वैल्यू तो ठीक है, अगर 9 × D की वैल्यू 0.075 से ज्यादा है देन इट इज ओके। बट अगर ये 9 × D मतलब जो हुक लेंथ है वो आपकी 0.075 मीटर से कम आ रही है तब आपको ऐसी कंडीशन में उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है 0.075 मीटर कंसिडर करनी होगी। इस चीज़ को आपको गांठ मार के याद रखना है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो इसलिए हमने यहाँ पर हुक लेंथ पहले आपको बता दी है कि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी फिर ये यहाँ से ये हुक लेंथ कहाँ से आ गई। ओके चलिए तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसकी 0.075 हुक लेंथ को कैलकुलेट करना है, कंसिडर करना है। चलिए तो अब इसकी जो टोटल लेंथ होगी वो कितनी होगी, तो 7 मीटर, मतलब ये जो अंदर की जो पूरी थर्ड डायमेंशन की अगर देखो तो 7 मीटर हो जाएगी, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट याद रखें कि अब जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार की, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है वो थ्रू आउट ये लेंथ के अंदर प्रोवाइड करेगी, इसकी लेंथ जो है ये अंदर लॉन्जिट्यूडनली प्रोवाइड कर रखे है, ठीक है, इस चीज़ को आपको इमेजिन करना होगा। चलिए तो अब इसकी लेंथ कितनी होगी, तो ये हमें अंदर 7 मीटर का बताया गया है, 7 मीटर का, और दोनों तरफ से जो दीवारें हैं वो भी इंक्लूड हो जाएगी। अगर आप इसे इमेजिन करोगे तो उसकी दीवारें भी इंक्लूड हो जाएगी, या मान लेते हैं कि ये 3 मीटर की जगह ये 7 मीटर का सेक्शन है, ठीक है, तो ये 7 मीटर हो जाएगा पूरा और ये प्लस दीवार हो जाएगी इस तरह से। तो दोनों तरफ से आपको दीवार ऐड करनी है, दोनों तरफ से दीवार ऐड करने के बाद दोनों तरफ से जो हुक लेंथ होगी वो भी आपको ऐड करनी होगी, ठीक है। हुक लेंथ यहाँ पर कितनी है, 2 × 0.75, ठीक है, 0.075 हो जाएगा। तो ये आपको हुक लेंथ आपको इस तरह से प्लस करनी होगी और माइनस आपको दोनों तरफ से फिर से कवर माइनस करना होगा। कवर क्यों, कि दोनों तरफ से कवर ने 50 mm का कवर प्रोवाइड कर रखा है इसलिए उसे माइनस करना होगा। हम पहले कवर के बाहर तक पहुंच गए थे लेकिन हमें पहुंचना था उसके एक्चुअल लेंथ तक, नेट लेंथ ऑफ दैट बार, ओके, अप टू द हुक। तो हुक तक पहुंचने के लिए हमें 50 mm के कवर को माइनस करना होगा दोनों तरफ से। तो हमने कवर को माइनस किया, अगर आप उसे कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू 7.51 मीटर निकल के आएगी, ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी विड्थ की, कि भाई इसका विड्थ कितना होगा, स्लैब की विड्थ कितनी होगी, ठीक है। तो स्लैब की विड्थ कितनी होगी, देखिए स्लैब की विड्थ यहाँ पर बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है। ये जो इसकी विड्थ है इसे हम स्पान, यहाँ पर स्पान का दर्जा देंगे, क्यों, क्योंकि इतने ही स्पान के अंदर आपको ये बार डिस्ट्रीब्यूशन बार यहाँ पर प्रोवाइड करने होंगे, अप्लाई करने होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो इसकी विड्थ है वो 3 मीटर की है, ये हमने यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, इसे फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो 3 मीटर की इन टू इन है, प्लस आपको दोनों तरफ से दीवार की थिकनेस ऐड करनी होगी, अपने दोनों तरफ से दीवार की थिकनेस ऐड की मतलब 3 + 0.23 + 0.23 + ठीक है, माइनस आपको दोनों तरफ से कवर करना होगा, माइनस क्या करना होगा, आपको दोनों तरफ से कवर करना होगा तब आप यहाँ पर आके पहुँच जाओगे, ओके। मतलब इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ से लेकर ये जो एंड है, ठीक है, यहाँ तक आपको जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन बार को प्रोवाइड करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। अब ये कितने नंबर्स ऑफ बार आपको इस स्पान के अंदर करने हैं प्रोवाइड, ये किस तरह से पता चलेगी, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्पान डिवाइड बाय स्पेसिंग, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, ठीक है, प्लस वन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसे देखोगे तो इसका जो नंबर्स ऑफ बार निकल के आ रहे हैं वो 19.66 है, इसका मतलब हम इसे 20 बार कह सकते हैं, ओके। तो इस तरह से आपने ये सारी चीज़ें निकाल लेनी है, ओके।
अब हमने क्या किया कि ये जो बॉटम बार्स थे वो ले लिए, लेकिन अब हम बात करते हैं टॉप बार्स के लिए कि भाई टॉप बार कितने आपको प्रोवाइड करने हैं। तो देखिए टॉप बार के लिए क्या करना होगा आपको, विड्थ ऑफ स्लैब एट वन एंड फॉर बेंट अप बार एट द टॉप, मतलब टॉप के अंदर एक तरफ से जो बेंट अप बार्स के ऊपर जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड कर रखे वो कितने हैं एक एंड की तरफ से, ठीक है, वो किस तरह से निकाले जाएंगे। तो ये किस तरह से आपको करना है, तो देखिए ये जो है आपको क्या करना क्या होगा पहले कि ये जो डिस्टेंस है पहले आपको ये निकालना होगा। तो ये 0.23 है, मतलब 230 mm की दीवार है, प्लस आपको ये 450 mm दे रखा है, ठीक है, तो इनको आपने प्लस कर लिया। अब आप यहाँ तक पहुँच गए हो, देखिए इस एंड की तरफ देखिए, अब आप कहाँ हो, यहाँ तक पहुँच गए हो, ठीक है, लेकिन आपको जाना कहाँ पर है, आपको यहाँ तक जाना है क्योंकि जो आप बार प्रोवाइड करने जा रहे हो वो सब इतनी ही एरिया में है, ठीक है, ये सब इतने ही एरिया में है। तो आपको क्या करना होगा, ये जो बचा हुआ एरिया है, ये जो बचा हुआ एरिया है इसको आपको माइनस करना होगा, डिडक्ट करना होगा। अब ये किस तरह से करेंगे हम लोग, तो आपको मैंने बताया था कंसेप्ट इस वीडियो सीरीज के अंदर पहले कुछ वीडियो में कि ये जो बेंट अप होता है इसके अंदर देखिए, ठीक है, ये जो बेंट अप होता है तो ये एक्स होता है हमारे पास, ये क्या होता है x होता है, और ये जो डिस्टेंस होता है इसे हम कहते हैं x बाय टेन थीटा और इसे हम कहते हैं x बाय साइन थीटा, जब हमने इसके बारे में डिस्कस किया था पहले, ठीक है, इस वीडियो की सीरीज की शुरुआत में, तो मैंने आपको बताया था इसके डेरिवेशन करके कि भाई x बाय टेन थीटा और x बाय साइन थीटा किस तरह से होता है। अब यहाँ पर देखिए कि थीटा की वैल्यू जो हम जनरली यहाँ पर 45 लेते हैं, जब भी हम बेंट अप बार प्रोवाइड करते हैं तो जनरली इसकी जो एंगल होता है वो 45 लेते हैं, ओके। आपको करना क्या है, आपको ये डिस्टेंस चाहिए, आप अभी यहाँ पर आ चुके हो, आपको डिस्टेंस ये माइनस करना है, तो ये किस तरह से पता होगा आपका, तो x बाय टेन थीटा करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास है, x आपको पता है क्या है, ठीक है, देखिए x हमने अभी फिलहाल निकाला था, ठीक है, वो 0.068 मीटर का आ रहा था, x की वैल्यू पता है। अब डिवाइड बाय टेन थीटा आपको करना है, अब टेन थीटा मतलब 10 45 वन होगा, तो इसके लिए इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 0.068 मीटर ही रहेगी, ठीक है। तो ये आपका फंडा था इसके अंदर, ये कंसेप्ट था जो आपको समझना है, इसके अंदर काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पर कि भाई दोनों तरफ सॉरी मतलब एक तरफ से जो दीवार थी उसे ऐड किया, उसके बाद ये 450 ऐड किया, उसके बाद हमने ये जो डिस्टेंस था इसे माइनस कर दिया, मतलब ये माइनस 0.068 हमने कर दिया, और फिर एक तरफ से हमें क्या करना है माइनस इसे ये भी कर देना है इसका कवर, ओके एक तरफ से क्या करना है इसको आपको कवर को भी माइनस कर देना है क्योंकि हमने पहले कवर को भी इंक्लूड कर रखा था, 230 mm के अंदर कवर भी आ रहा था, ठीक है। चलिए तो हमने क्या किया यहाँ पर कि भाई पहले दीवार को ले लिया, उसके बाद ये डिस्टेंस जो दे रखा है वो ले लिया, उसके बाद हमने इस डिस्टेंस को माइनस कर लिया, इसके तरफ से कवर को माइनस कर लिया, और इसकी जो विड्थ आ रही थी इस बेंट अप बार के लिए वो आ रही थी 0.562 मीटर, ओके इस तरह से हमने आपने क्या किया इसका स्पान निकाल लिया। अब इसके इतने स्पान के ऊपर कितने नंबर ऑफ बार रखेंगे, तो स्पान डिवाइड बाय स्पेसिंग, स्पेसिंग इसकी आपको 180 mm सेंटर टू सेंटर दे रखी है, तो बस आपने वही 180 mm जो है वो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग यहाँ पर आपको यूज़ करनी है, और इस फॉर्मूले के अंदर रख के आपको जो टोटल नंबर ऑफ बार निकालने हैं वो है यहाँ पर 5, ठीक है, अगर हम इसे राउंड अप करें तो ये 5 नंबर्स ऑफ बार यहाँ पर मिल रहे हैं। हम बात कर रहे थे एक तरफ के लिए, तो लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ से बेंट अप है ना, तो आपको इसको इंटू 2 कर देना होगा, मतलब टोटल 10 बार आपको टॉप में प्रोवाइड करने हैं, ओके, और आपको जो 20 बार है वो आपको बॉटम में प्रोवाइड करने हैं, मतलब कुल मिला के आपको 6 mm के जो बार है वो 30 प्रोवाइड करने हैं इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली, ओके है बिल्कुल सिंपल, कोई इसके अंदर कंफ्यूजन वाली या डिफिकल्टी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए तो हमने नंबर्स ऑफ बार निकाल ली, इसकी जो टोटल लेंथ थी बार की इस तरह से जो लेंथ थी अंदर की ओर, ठीक है, वो 7.51 आ रही थी, ओके, और इसका पर मीटर के लिए जो वेट होगा वो कितना होगा, तो डी स्क्वायर में 162 करोगे तो आपको पर मीटर का वेट मिलेगा कि भाई 6 mm का डायमीटर का बार है अगर, तो 0.22 kg पर मीटर इसका वेट होता है, तो इस हिसाब से जो अगर 7.51 मीटर की लेंथ हो उसकी और 30 ऐसे बार हो तो उसका जो टोटल वेट हो जाएगा वो 49.56 kg होगा। और इस तरह से हमने काफ़ी सिंपल तरीके से और आसान भाषा में देखा कि किस तरह से जो बार्स होते हैं उनकी क्वांटिटीज़ को हमें कैलकुलेट करना है, ओके। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक बता सकते हो। अब जो पांचवी चीज़ हमें पूछी गई थी सवाल के अंदर वो थी एब्स्ट्रैक्ट फॉर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन, आपको एब्स्ट्रैक्ट शीट यहाँ पर प्रिपेयर करनी है, इसकी भी हमने PDF फाइल हमारी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर रखी है, आप बाकायदा वहाँ पर जाके उसे डाउनलोड कर सकते हो और अपने प्रैक्टिस के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर
आपको एब्स्ट्रैक्ट शीट बनानी है। एब्स्ट्रैक्ट शीट के अंदर जनरली आता गया है कि भाई जो भी आपका आइटम है उसे लिस्ट आउट कर दीजिए, ठीक है, उसकी क्वांटिटी कितनी थी, उसका रेट क्या है और उसका अमाउंट कितना है, ये आपको एब्स्ट्रैक्ट शीट के अंदर बताना होता है। तो हमारे पास जो हमने चार क्वांटिटी निकाली थी वो थी सीमेंट कॉन्क्रीट फॉर स्लैब, सेंटरिंग एंड शटरिंग फॉर स्लैब, 12 mm के डाया बार्स और 6 mm के डाया बार्स, ठीक है, ये हमने क्वांटिटी इतनी निकाली थी। इनकी हमने जो टोटल क्वांटिटी आ रही थी वो यहाँ पर हमने रख देनी है। उसका जो मार्केट के हिसाब से जो यूनिट बाहर चल रहा है वो रख दीजिए मीटर क्यूब, जो कंक्रीट की मीटर क्यूब है, कंक्रीट का जो यूनिट होगा वो मीटर क्यूब होगा, जो सेंटरिंग का यूनिट होगा वो मीटर स्क्वायर होगा और जो बार्स जो है उसका यूनिट केजी होगा, ठीक है, ये तो ऑब्वियस चीज़ है। उसके बाद इसका मार्केट रेट क्या है, मार्केट प्राइस क्या चल रहा है वो आपको निकालना है। अब देखिए मैंने यहाँ पर जो रेट जो प्राइस ले रखे है वो मेरे हिसाब से मैंने ले रखे है, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई कुछ हद तक हमने एज्यूम कर रखे हैं। अगर आपकी वैल्यूज आपके प्राइस अगर अलग हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत है या आप गलत है, ये डिपेंड करता है लोकेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, ये वेरी होते रहते हैं, ठीक है, रेट। तो आपको इसके अंदर कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो भी आप इसके आसपास अगर कोई रेट लिखते हो तो भी वो गलत नहीं होगा, ओके। तो बस आपको यहाँ पर रेट लिखने हैं और इसको मल्टीप्लाई करके आपका इसको अमाउंट बता देना है कि भाई इस पर्टिकुलर क्वांटिटी का कितना अमाउंट आ रहा है, और इसी तरह से आपको हर एक क्वांटिटी के अमाउंट को निकालना है, इसका टोटल करना है, और इसके अंदर टोटल करने के बाद आपको कॉन्टिंजेंसीज चार्जेस इसके अंदर 5% ऐड करने होते हैं। अब कॉन्टिंजेंसीज चार्जेस क्या होते हैं इसके लिए हमने एक अलग से स्पेशल आर्टिकल हमारी वेबसाइट के ऊपर रखा है, या फिर जो इस वीडियो सीरीज़ के अंदर अगर शुरुआती वीडियो देखोगे आप तो उसके अंदर मैंने इसे बाकायदा समझाया भी काफ़ी अच्छी आसान भाषा में, तो वहाँ पर भी आप जाके समझ सकते कि ये कौन से चार्जेस होते हैं, ठीक है, कॉन्टिंजेंसीज जो है वो क्या होती है, क्यों इसे लगाया जाता है, और भी बाकी अलग अलग चार्जेस होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिट है कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। लेकिन फिलहाल अभी मैं फॉर एग्जांपल यहां पर आपको इस शीट को बता रहे हैं, तो इस तरह से हम इसे बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट शीट को, ये आपके बिल्कुल सामने है। इसके अंदर कोई शिकायत हो, कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके बता सकते हो। अब जो बाकी की बची हुई क्वांटिटीज है, बचे हुए सवाल है, वो आपको कौन कौन से निकालने हैं हमें एक बार नजर मार लेते हैं। सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट फॉर स्लैब, इसकी आपको वॉल्यूम निकालने हैं, ठीक है, उसके बाद परसेंटेज ऑफ स्टील इन स्लैब क्या है वो निकालना है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ स्लैब पर मीटर स्क्वायर बताना है और बार बेंडिंग स्केड्यूल आपको बताना है, ठीक है, और इसे हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो ज़्यादा देर नहीं बल्कि आपको आज शाम को ही अवेलेबल हो जाएगा। तो इस वीडियो की आप थोड़ा आज शाम तक वेट कर लीजिएगा, और इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई डाउट हो, कोई शिकायत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, और अगर आपने इस पूरी वीडियो सीरीज़ को अब तक नहीं देखा तो उस वीडियो सीरीज को भी जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है और आसान है, तो आप इस वीडियो सीरीज को एक बार जरूर देखें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। चलिए तो बस आज इस वीडियो के अंदर अभी इतना ही, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन द बेल आइकन टू गेट मी रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।